खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां थाना कोतवाली के इलाका में जुल्म की इंतहा। बाप के वफात पाते ही कम उम्र बच्चों को चचाजाद भाई आकील और तायाजाद भाई मोहम्मद हाशिम ने पहले मारा और फिर घर से निकाल दिया। बच्चे दरबदर जलील होने लगे। थाना कोतवाली के इलाका चाइना मार्केट के करीब 14 साल बच्ची उल्मा का कहना है, मेरे वालिद मोहम्मद जाकिर ने मेरी माँ बाबरा को 2 साल पहले तलाक दे दी थी, मगर हम 6 बहन भाई अपने वालिद मोहम्मद जाकिर के पास रहते थे। 14 साल की बच्ची उल्मा ने बताया, 2 माह पहले मेरे वालिद मोहम्मद जाकिर बीमार हो गए। कुछ दिन गुजर जाने के बाद मेरे वालिद वफात पा गए। फिर कुछ दिन बाद मेरे चचाजाद भाई आकील और मेरे तायाजाद भाई मोहम्मद हाशिम ने हमें घर से निकाल दिया। दरबदर की ठोकरें खाने के बाद हम अपनी माँ के पास चले गए। बच्चों की माँ बाबरा का कहना है, मेरी तलाक को 2 साल हो गए, मेरे 6 बच्चे हैं, मगर बच्चे मोहम्मद जाकिर ने अपने पास रख लिए और मुझे तलाक दे दी, मगर मैं कैसे 6 बच्चों का पेट पालूँ, मेरा खुद का कोई आसरा नहीं, मैं करूँ तो क्या करूँ। 14 साल बच्ची उल्मा ने मुतालबा किया है वज़ीर आज़म इमरान खान से कि वो हमारे वालिद का जायदाद में जो हिस्सा बनता है वो हमें दिया जाए, ताकि मैं और मेरे 6 बहन भाई जो अभी छोटे हैं, हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं, और मेरी माँ जिसको मेरे वालिद जाकिर ने तलाक दे दी थी वो भी अभी तक जलील हो रही है, उसका भी कोई ठिकाना नहीं, मगर हमारा तो अपने वालिद के जायदाद पर पूरा हक है, इसलिए हमारा हिस्सा हमें दिया जाए। बच्चों का कहना है कि मेरे चचा आकील और ताया मोहम्मद हाशिम मेरे वालिद का जो हिस्सा बनता है उस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। जब हम हिस्सा मांगते हैं तो आगे से धमकियां देते हैं। हमारी वज़ीर आज़म इमरान खान, IG पंजाब, RPO गुजरांवाला और CPO गुजरांवाला से अपील है कि हम यतीम बच्चों की दादरसी की जाए और हमारा हक हमें दिया जाए। रिपोर्ट अहमद खान न्याजी, ब्यूरो चीफ ग्रेट न्यूज़, गुजरांवाला।